कि जब गाय जिंदी होती है, गाय चरती है, जब गाय खाती है तो उसमें लाठियां मारते हैं, खेत में नहीं घुसने देते, घर में नहीं घुसने देते, सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं। सर अपना परिचय दो गुरुजी पहले। मैं राजेंद्र, करिए नाम बता दो ना फिर भी। राजेंद्र, मैं गुरुकुल कालवा से राजेंद्र जी। देखो हम गाय पाल रहे हैं, गाय की समस्या हमको पता है। गाय जब खेत की मेड़ पे भी चली जाती है तो लोग जेलियां लाठियां मारते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे पास फोन करते हैं कि यहाँ से उठाओ जी, हमारे बस की बात नहीं है, और आंदोलन करते हैं फिर किस बात का, मरते ही इनकी माँ बन जाती है। जब जिंदी गाय है तो लाठियां मार रहे हैं, भोडल कह रहे हैं, और जान क्या क्या उसको कह रहे हैं, और जब मर जाती है और ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसको इतना बड़ा तूल दे देते हैं, माँ के नाम से दे देते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो इतना जल्दी हमें भावावेश में नहीं आना चाहिए, जैसा आप भी अभी कह रहे थे कि हमें भी शंका हो गई थी वीडियो देख करके। बिल्कुल सबको हो जाती है। हाँ तो आप तो देखो समाज में के घूमने वाले आदमी, लेकिन मैं सामान्य आदमी। गुरुजी हमने तो यहाँ आके पहले बात पूछी है भाई, है क्या थोड़ा सा बताओ। आपने तो पूछी है, लेकिन सामान्य आदमी पूछता नहीं इस बात को। अब इतने गौसेवक आ रहे थे कल, हमने उनको कहा तुम ये समस्या ही नहीं आवी की 3-4 हजार गाय है, तुम 500 आए हो मान लो, 8-8 गाय ले जाओ अपने घर में, तुम्हारी माँ है। बोले हम दान देते हैं, लोग ये कहते हम दान देते हैं, बोले हमें दान ये उतनी, हम तुम्हें दान देंगे, एक गाय के 100 रुपए महीने में दूंगा, बांधो कौन कौन बांधेंगे 100 रुपये महीने। तुम तो 100 रुपये साल के दो हो, तुम 100 रुपये साल में दे देते हो, 100 रुपये तुम साल में दिए भी हो नहीं दिए हो तुमने हमें पता नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ है, तुम अपने घर में बांधो अपनी माँ को और हम देंगे 100 रुपये महीने। आपके भी तो माँ होगी 100 में जी। मैंने तो 150 बांध रखी है, गुरुकुल कारवां बहुत थोड़ी सी जगह है, लेकिन 150 बांध रखी है। हमारी कमेटी कहती है भाई स्वामी जी की गौशाला जी, वो तो आपने बता दी। हाँ ये भी गौशाला है, लेकिन गुरुकुल में भी 150 गाय है, यहाँ 50 गायों के रहने की जगह। हमारी कमेटी गौशाला की कहती है, बोले क्यों खद्दम खद्दा रहते हो। मैंने भाई खद्दम खद्दा रहने ये उतनी है, हमारी भावना है, हमारी भावना जुड़ी हुई है, तो हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ भी पालेंगे वहाँ भी पालेंगे। ऐसे गौ माता तो है ना, माता है, माता है, पर जीवित माता है, मरने के बाद में माता का संबंध फिर वो जैसे डेड बॉडी होने के बाद में कोई किसी का नहीं। अर्जुन कहता है, वो कृष्ण जी कहता है गीता में, अभिमन्यु के मरने के बाद में, बोले किससे संबंध है तेरा, शरीर से संबंध है तो रख ले शरीर में, अभिमन्यु का शरीर तेरा ये पड़ा है, और आत्मा से संबंध है तो आत्मा गई, किसी को नहीं दिख रही, न अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ते न कुछ करते ना धर्म क्रिया करते। जो ज्यादा गौसेवक बनते हैं ना, उनसे मेरा सबसे निवेदन है कि महीने 2 महीने गौशालाओं में आकर के वो समय दें, गाय की समस्या को समझे। ऐसे नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं हमने देख ली ऊपर ऊपर से, ऐसे नहीं। चलो सही बात है, संचालक भी सामने आ गए भाई, एक एक चीज स्पष्ट करके आप लोगों को बता भी दी जी। गोचर भूमि का कोई मामला आचार्य जी ने बताया, गोचर भूमि का मामला, ये सारे जिनकी माँ है ना गोचर भूमि को दाब में बैठे हैं यही लोग। हाँ यही लोग जो माँ कहते हैं, गायों के लिए कुंड नहीं, सरकार गोचर भूमि खाली करवाए। हाँ सरकार से निवेदन, आचार्य जी का कहना मतलब यो है, जो गोचर भूमि जो गौओं के लिए स्पेशल गोचर भूमि होया करती कदे थे, मतलब सदियों तक होया करती, और वो आज भी मतलब रजिस्ट्री गोचर भूमि के नाम से ही है, लेकिन आचार्य जियों का कहना है कि वो आम किसान, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा ना आचार्य जी ले रहे, लेकिन हम में से ही कुछ लोग हैं जो उस गोचर भूमि को दबाए बैठे हैं अपने घर के लिए, उसमें गेहूं या धान बोए हैं, अपनी खेती करे हैं, तो उसको गौशालाओं के लिए गोचर भूमि को छुटवाया जाए, सरकार से ये अपील है, ये आचार्य जी का ही और मेरी भी अपील है, ये तो होनी भी चाहिए। गौ माता की जय बोलिया करा, हमें हर बार हर चीज के ऊपर सू भी गऊ की खा रहा गऊ की सू, यह बात थी। और भाई मामला टोटल अपन आपको दिखा दिया, समझा दिया, आचार्य जी आए, स्वामी जी आए, आचार्य जी जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो यहाँ संभालते हैं सिस्टम को, वो भी श्याम ही आए, अंदर ही मैं लेकर चलूंगा, शेयर कर दो वीडियो ना, राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।